हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मेदांता अस्पताल में भर्ती गुरमीत राम रहीम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। पहले राम रहीम का रैपिड टेस्ट लिया गया था जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं आरटीपीसीआर टेस्ट लिया गया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खबरों के मुताबिक सीटी स्कैन में राम रहीम कोरोना संक्रमित पाया गया है, लेकिन आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। राम कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद रविवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दरअसल 3 जून को रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद गुरमीत राम रहीम सिंह की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उसे पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया। राम रहीम को पेट में दर्द की शिकायत थी। राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से पीजीआई लाया गया, फिर उसे गुरुग्राम के मेंदाता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि 25 अगस्त 2017 से राम रहीम जेल में है। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को साध्वियों से रेप के मामले में दोषी करार दिया था। 16 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के साथ ही 3 अन्य दोषियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। न्यूज डेस्क।